नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। जनपद चित्रकूट के सीतापुर में सशक्त नारी, सशक्त प्रदेश, मिशन शक्ति नारी, सुरक्षा नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन योजना तृतीय चरण का शुभारंभ किया गया, जहां भजन संध्या में माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर अध्यक्ष जिला पंचायत अशोक जाटव, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे, जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल, पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल व मुख्य विकास अधिकारी अमित आसेरी सहित अन्य जन प्रतिनिधियों ने किया। वहीं उपस्थित अध्यक्ष जिला पंचायत अशोक जाटव ने कहा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मातृशक्ति के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं। उनका आप लोग अधिक से अधिक लाभ उठाएं और स्वावलंबी बने। मुख्य सभी नारी शक्ति को प्रणाम और सभी के लिए आज ही ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि नारी शक्ति के ये जो हमारा मिशन शक्ति है, इसका आज तृतीय चरण औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और इस देश के माननीय वित्त मंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदया ने, सब ने एक साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और इस कार्यक्रम के तहत हम पूरे जनपद में विभिन्न तरीके के सशक्तिकरण के कार्यक्रम चलाएंगे। हमने ये देखा है कि हमारी बहुत सारी बहनों ने, महिलाओं ने इन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा कार्य किया, जनजागरण का कार्य किया और समाज में वो आगे बढ़ के आई हैं। प्रसन्नता की बात यह भी है कि महिला पीएसी बटालियन दो उनका भी आज से औपचारिक प्रारंभ हो रहा है, बात हो रहा है। इसके अलावा हमने महिलाओं के लिए बहुत सारे बीट तैयार कर दिए हैं, जहाँ पे वो अब बीट के मुखिया के रूप में भी कार्य करेंगे। तो मेन स्ट्रीम में महिलाओं आगे आ रही हैं। आपने अभी डाटा ये भी सुना होगा कि किस तरह से ग्राम पंचायतों में 56% महिलाएँ हमारी प्रधान चुनकी आई हैं, 54% हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, 56% जिला पंचायत अध्यक्ष पूरे प्रदेश स्तर में हैं। तो इस तरह से ये जो भागीदारी है नारी शक्ति की, इतनी बढ़ रही है और ये इस प्रदेश के लिए बड़े ही गौरव की बात है। तो आप इससे खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जन जागरण का जो ये सिलसिला दो चरणों में हुआ है वो तो किस तरह से आगे बढ़ रहा है और ये आगे और जाएगा। ठीक है, थैंक यू। जो कि 31 दिसंबर तक चलेगा और इसमें अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अगर हम डेटा देखें तो उसमें देखा जा सकता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण वास्तविक तौर पर हुआ है। जनप्रतिनिधि के रूप में भी उनको देखा जाए तो उनकी परसेंटेज काफ़ी बड़ी है। अपराध या ऐसा कुछ उनकी कमी आई है, सशक्तिकरण हुआ है और उनको योजनाओं के बारे में भी अभी काफ़ी पता चला है। आगे हम कार्यक्रम करेंगे जिससे कि और जागरूकता इसमें बढ़ेगी। 15,000 रुपये यदि क्षमता जो छठवा फेस होगा उस पर 15,000 तक सरकार देगी। मित्रों, मातृशक्ति बेटी है, ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे 2000 अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ। आप पहले कभी थाने में जाती थी तो एक बैठने की जगह नहीं होती। चित्रकूट से केकेडी न्यूज संवाददाता रहमत अली की रिपोर्ट। चित्रकूट जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत भगवतपुर के पास का रपटा पुल, जो कि झांसी मिर्जापुर संपर्क मार्ग को जोड़ता है, इस समय वसूली का अड्डा बना हुआ है। बता दें, हर साल बरसात के 3 से 4 महीने ये पुल पूरी तरह जलमग्न रहता है, जिस कारण एक सरकारी गाड़ी राहगीरों को ये पुल पार करवाने में सहायक होती थी, लेकिन अब प्राइवेट गाड़ियों ने इसकी जगह ले ली है, जो कि राहगीरों से मनमानी तरह से शुल्क वसूलती हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बात की जानकारी लोक निर्माण मंत्री सहित जिलाधिकारी तक पहुंचाई जा चुकी है, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। चित्रकूट से केकेडी न्यूज संवाददाता सीपी सरगम की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया, और खबरों की दुनिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।